सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, अगर हम कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालें तो कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, सिमेट्रिकल शेप की बॉडीज अगर हैं तो हाँ, जैसे स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है स्क्वायर प्लेट पे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है नहीं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं पता तुम्हें, बॉडी का जो सेंटर होता है हाँ हाँ उसी को ज्योमेट्रिकल सेंटर कहते हैं, जिसको सेंटर सेंटर कहते आए वही ज्योमेट्रिकल सेंटर है। स्फीयर का जो सेंटर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्क का जो सेंटर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये डिस्क है, अगर ये रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मिडिल पे, यहाँ इसके सेंटर पे है, यहाँ है। तो आउटसाइड द बॉडी है, आउटसाइड द मटेरियल है सेंटर ऑफ मास। देखिए मटेरियल तो रिंग का यहाँ पे होता है ना, यहाँ कुछ नहीं है, सही है कुछ। अगर डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क हो या स्फीयर हो, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसके सेंटर पे। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसके सेंटर पे। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके सेंटर पे। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यूनिफॉर्म रॉड का, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो कहाँ है, मिड पॉइंट पे, एल बाई टू पे, यूनिफॉर्म रॉड है तो, ठीक है, तो मिड पे। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, कौन सी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो आप सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बोलो, ये सेंटर है ना, ये यहां से यहां पर है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, और इस सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है यहां से रिंग के सेंटर से कितनी है, 2r/π। रिंग है ये सेमी सर्कुलर रिंग, टू आर अपॉन पाई, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। और अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर कहूँगा या सेमी डिस्क, जो भी कहूँ, समझ गए होगा, भावना को समझ जाओ, जो भी कहते हैं, ये सेंटर है इसका, इसका सेंटर ऑफ मास है आपका सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, 4r/3π, 4r/3π याद करेंगे, इंटीग्रेट करके निकल के आता है, ठीक है। ठीक है, हॉलो हॉलो हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर, ठीक है। तो हॉलो हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो होगा
देखो सब एक से ही बनते हैं यार, ये भी है, ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी शक्ल तो सबकी एक सी है ना, है नहीं? तो कौन क्या है कैसे पता लगेगा? नाम से पता लगेगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं? अब देखो सुनो ध्यान से, अगर ये है हमारे पास, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, जिसमें खीर खाते हो, कटोरा, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा एग्जैक्टली आर बाई टू डिस्टेंस पे, आर बाई टू पे, सेंटर से आर बाई टू पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर समझते हैं ना, सॉलिड और हॉलो है, सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा आपका थ्री आर बाई एट पे, सॉलिड है ये सेंटर से थ्री आर बाई एट पे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कहीं, पूरी जिंदगी में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पहले बता देते लेकिन लिख हमें जरूरत है वही जो अभी मैंने कराया, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, यही सब होगा, लेकिन पता होना चाहिए, अगर कहीं न्यूमेरिकल में अगर कहीं रिक्वायरमेंट हुई तो, रिक्वायरमेंट हुई तो लोकेट करके देगा कि यहाँ पे है, ठीक। कहाँ कैसे आता है? इंटीग्रेशन से आता है। कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे अब हम वो देखेंगे, हैं, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, रॉड के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो रॉड के लिए हम निकालेंगे कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास। तो अभी हमने क्या देखा था बच्चों, जरा देखो तो सही, अभी हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था ना, कैसे निकाला था एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला था सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, कैसे निकाला था बताओ, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। अगर कंटिन्यूस बॉडी है, कोई ये कंटिन्यूस बॉडी है, इसमें आपने एक छोटा सा मास कंसिडर करोगे, सबसे पहले dm, ये छोटा सा मास निकालोगे dm, इस छोटे से मास के x, y और z कोऑर्डिनेट निकालोगे, x, y और z कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये बॉडी, ये जो कंटिन्यूस बॉडी है कैसे बनी हुई होगी, ऐसे ऐसे साइड बाय साइड लार्ज नंबर ऑफ छोटे 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 डीएम 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 से मिलकर, ऐसा ही होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, लार्ज नंबर ऑफ डीएम से मिलकर ये कंटिन्यूस बॉडी बनी है। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा मास कंसिडर करोगे डीएम, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये डीएम लिया उसका कोऑर्डिनेट निकाला, ठीक है। तो m1 x1 क्या होगा इस डीएम के लिए, dm into x, अगले dm के लिए क्या होगा, dm into x, अगले के लिए क्या होगा, dm into x, अगर ये x1 y1 z1 है, अगले का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है वगैरह वगैरह, तो क्या करोगे, dm into x plus dm into x plus dm into x plus dm into x, सारे dm into x को सम कर दोगे, वो सम कौन करेगा, वो सम करेगा आपका इंटीग्रेशन x dm, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जब कंटिन्यूस एलिमेंट को सम करना हो तो डिस्क्रीट एलिमेंट को सम करेंगे तो ये समेशन यूज होता है, और जब जब एलिमेंट्स में कंटिन्यूटी आ जाए तो ये समेशन रिप्लेस होके क्या हो जाता है, ये वाला साइन ले लेता है, ठीक है। इसका इसका मतलब भी क्या है, समेशन ही है। जब डिस्क्रीट वैल्यूज को सम करोगे तो इससे करते हैं हम, जैसा भी हमने किया था, और जब हम कंटिन्यूस वैल्यूज को सम करते हैं तो हम फिर किससे करेंगे, इससे करेंगे। जब हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 पार्टिकल को हम गिन लें, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग, अगर हम 1 2 3 काउंटिंग अगर करें पार्टिकल की, तो उनका उनको सम करेंगे तो ये लगाएंगे समेशन mi, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn हो जाएगा। और कंटिन्यूस एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तब ये
एक छोटा सा इंटीग्रेशन m1 प्लस m2 प्लस mn तक सारे पर सारे, इसका मतलब क्या है, सारे dm को सम करना है। और dm कैसे हैं, कंटिन्यूस एलिमेंट हैं। dm कैसे हैं, कंटिन्यूस एलिमेंट हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dm। जब मैंने इंटीग्रेशन dm किया तो इसका मतलब यह हुआ कि एंटायर मास ऑफ दिस कंटिन्यूस बॉडी, ये बॉडी जितने डीएम से मिलके बनी हुई है उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल के मासेस का सम, इसका मतलब ये। और सर ऊपर वाले का है कि जो भी सारे एक्स कोऑर्डिनेट, उसका मतलब है पार्टिकल बॉडीज जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है उन सारे पार्टिकल के मासेस और उन मासेस के एक्स कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट का सम, यही तो कर रहे हैं हम। एम वन एक्स वन, हमारे पास क्या था, m1x1, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट उसका प्रोडक्ट, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट उसका प्रोडक्ट, प्लस डैश 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 प्लस क्या mnxn। तो सारे पार्टिकल्स के मासेस और उनके x कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट का सम था। ठीक है, जब एलिमेंट डिस्क्रीट हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो ये है, और जब एलिमेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी है, तो ये सम जो है, ये वाला सम कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा जब डिस्क्रीट है, एम आई एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू, वेरी करा दो जहां जितने पार्टिकल्स हैं, चार पार्टिकल हैं तो आई इज इक्वल टू वन से लेके फोर तक, छह पार्टिकल है आई इज इक्वल टू वन से लेके छह तक, एन पार्टिकल्स है आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक। और अगर कंटिन्यूटी है पार्टिकल्स की, ठीक है, कोई कंटिन्यूस कंटिन्यूस बॉडी है, ये कंटिन्यूस बॉडी है, ये नोटबुक इज अ कंटिन्यूस बॉडी, कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम छोटा सा पार्टिकल लोकेट करेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे ओवर दिस एंटायर बॉडी। इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि सारे पार्टिकल्स कवर अप हो जाएं, लिमिट लगाएंगे यहां पर सच दैट कि सारे पार्टिकल कवर अप हो जाएं। ठीक है, तो सारे पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और उनके मासेस के प्रोडक्ट का सम चला आएगा इसमें कंटिन्यूस एलिमेंट्स में, और इसमें सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम चला आया, मींस क्या होगा, ये एंटायर मास ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या चीज है, अगर बॉडी का मास 10 केजी दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, 10 केजी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, आपका क्या निकल के आएगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, बोलो, वाई कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और ऐसे ही हमारा जेड कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इससे हम कंटिन्यूस बॉडी के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये जो हमने कंटिन्यूस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को लिखा है वो इसी से निकाल के लिखा है। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन में एग्जाम्स में नहीं आता, बस एक क्वेश्चन आता है हमारा रॉड के लिए। ठीक है, रॉड का केस आता है, उस एक केस को हम इस पे लगाते हैं, बस एक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी रॉड में, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, थिन रॉड, थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा, इक्लाई करेगा अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो सिर्फ एक और, अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लॉड रॉड रखी भी है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, बस वाई और जेड कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैनर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म है रॉड, क्योंकि कहीं से पोर्शन हैवी है उसका, कहीं से पोर्शन लाइट है, ऐसी सिचुएशन है, तब सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा। अगर मास डेंसिटी जो है क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मास डेंसिटी वेरी करने का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्म ना हो। अगर मास पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहां पे उठाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ एल, इज प्लेस्ड
अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू एल, ठीक है। कितनी लेंथ की रॉड है? L लेंथ की रॉड है। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होगी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? L बाई टू पे है, ठीक है, अगर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ द रॉड, मास डेंसिटी या मास डेंसिटी से क्या मतलब है? मास पर यूनिट लेंथ, रॉड का मास लेंथ के अलोंग वेरी करेगा, मास पर यूनिट लेंथ। मास डेंसिटी का मतलब यह मास पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज लीनियरली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन rho is equal to a plus bx, ठीक है। रॉड की डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी ना लिख के अगर आप चाहो तो, मास डेंसिटी से कंफ्यूजन हो रहा हो तो लीनियर डेंसिटी लिखो। लीनियर डेंसिटी का मतलब ये हो गया केजी पर मीटर होगी, केजी पर मीटर यूनिट होगी लीनियर डेंसिटी की, ठीक है। मास डेंसिटी से कंफ्यूजन होता है कि मास अपन वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी कहते हैं तो फिर वो हो गया, यानी डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है, यानी मास ऑफ द रॉड कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली, ठीक है। लेंथ के साथ मास में वेरिएशन हो रहा है, कैसे वेरी कर रही है मास डेंसिटी? रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के जी पर मीटर, वेयर ए एंड बी आर क्या? कॉन्स्टेंट। फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। मास डेंसिटी वेरी करने का मतलब समझे? देखो रॉड कहां से कहां तक है? x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एल तक। तो x इज इक्वल टू जीरो पे कितना है मास रॉड का? a के जी। x इज इक्वल टू एल पे कितना है रॉड का मास? a प्लस बी एल के जी। एल बाई टू पे कितना है? a प्लस बी एल बाई टू के जी, ठीक है। जो आपको मास चाहिए, जिस पॉइंट पे मास चाहिए उस पॉइंट की यहां पे x कोऑर्डिनेट रख दो, रॉड की लेंथ का वो कोऑर्डिनेट रख दो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दो जिस पॉइंट का मास चाहिए। रॉड आपकी जो है, ये आपकी रॉड है, रॉड कहाँ है? x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एल तक है। अगर कहता है कि रॉड का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास डेंसिटी कैसी होती? कॉन्स्टेंट। लेंथ के साथ मास यहाँ वेरी नहीं करता, लेंथ के साथ मास यहाँ वेरी नहीं करता, तो L बाई टू पे होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो रॉड हैवी होती चली जा रही है, यही ना बता रही है इक्वेशन? जैसे जैसे x बढ़ रहा है, रॉड का इधर वाला पोर्शन इज मोर हैवी देन इधर वाला पोर्शन, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर से इधर को शिफ्ट कर जाएगा, तो उसको मैंने लोकेट करना है, ठीक है। तो लोकेट करने के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम क्या बताया? क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या लेंगे? DM। सबसे पहले क्या लेंगे? DM। जब भी कंटिन्यूस बॉडीज के का रॉड के ही कैलकुलेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा, याद रखना। अगर आपके पास कैलकुलेशन आता है सेंटर ऑफ मास का, सिर्फ रॉड के लिए ही आएगा। अगर रॉड के लिए आता है तो सबसे पहले ये रॉड बना लिया आपने, एक छोटा सा मास कंसिडर कर लोगे रॉड के अंदर, कहां? यहां से x डिस्टेंस पे। कितनी लेंथ का मास कंसिडर कर लिया आपने? dx, l नहीं dx, जब x एक्सिस है तो ये dx होगा ना, ठीक है। तो मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा?
मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कंसिडर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो मास ऑफ दिस एलिमेंट क्या हो जाएगा बोलो तो सही, ये क्या है देखो, मास पर यूनिट लेंथ है ये, केजी पर मीटर, मास अपॉन लेंथ, ठीक है। अगर मास पर यूनिट लेंथ पता हो तो किसी भी लेंथ का मास निकाल सकते हो, कैसे, मास अपॉन लेंथ पता है, मास पर यूनिट लेंथ पता हो तो किसी भी लेंथ का मास निकालने के लिए क्या करोगे, उतनी लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लीनियर डेंसिटी का मतलब हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, तो मैंने डीएक्स लेंथ कंसिडर करी है यहां, तो इस डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा, अगर किसी रॉड का मास 2 kg पर मीटर है तो इसका क्या मतलब है, 1 meter लेंथ का मास कितना है 2 kg, तो हाफ मीटर लेंथ का कितना होगा 1 kg, क्या करा तुमने, हाफ मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर मीटर कट गया, 1 kg आ गया, 2 meter लेंथ का मास कितना होगा 4 kg, 2 meter से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी लेंथ का मास निकालना हो उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो मास पर यूनिट लेंथ को। तो मैंने dx लेंथ का मास निकालना है, ये मैंने dm, इसका मास निकालना है dm, तो dx लेंथ का मास निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ को उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, रो dx, ठीक है, क्लियर हो गया, रो आपका ये है ये, तो dm कितना आ गया, a प्लस bx इंटू dx आ गया। अब आपके सामने x कोऑर्डिनेट है, देखो ये निकल आया x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना, क्या बताया था मैंने बोलो, इंटीग्रेशन x dm, x कोऑर्डिनेट इसका ये है ही, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब लिमिट ऐसे लगानी है कि यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट कवर हो जाए, तो सबसे पहला एलिमेंट तो यहां होगा x इक्वल टू 0 पे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां से लेके यहां तक जब मैं चला तो x इक्वल टू 0 से लेके l तक चल दूं तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सारे dm 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 सारे x dm का सम आ गया, और जब मैं 0 से l तक लगा दूं तो अगेन यहां से लेके यहां तक जितने भी dm है, पहला dm, अगला dm, अगला dm, अगला मास, अगला मास, ठीक है। जब मैं 0 से l तक लिमिट लगा दूंगा तो इस पूरी रॉड में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का सम हो गया, क्लियर ना, ठीक है। तो लिमिट लगा देंगे सारे एलिमेंट, लिमिट से सब कुछ, सारा सब कुछ सम हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहां से इंटीग्रेट करके इसको उठाओगे रिजल्ट को, तो x dm, dm उठा के यहां डाल दो, ये dm आपने निकाल रखा है, निकाल रखा है ना, तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm कितना है बोलो, a प्लस bx इंटू dx 0 से l इंटीग्रेशन, यहां भी डालो dm क्या है, a प्लस bx इंटू ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या हुआ बच्चों, इज इक्वल टू यहां से क्या आया, ये इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। लिमिट लग गई 0 से लेके एल तक और 0 से लेके एल तक। अब यहां देखो एक्स, ए तो कॉन्स्टेंट है, यहां पावर कितनी है एक्स की, 1, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन मत लगा देना, पावर पहले लिया है, पावर में से 1 कम कर दिया, क्या पावर में 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन आ गया a x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया b x क्यूब अपॉन 3, लिमिट लग गई कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, और नीचे देखो यहां a dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहां से dx का x हो जाएगा, dx होगा ना इंटीग्रेट, यहां से ax, और यहां पावर कितनी है x की 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा bx स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग गई कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक।
और जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, यहां क्या आएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एल क्यूब अपॉन थ्री अपॉन माइनस जीरो, ये तो अपर लिमिट आ गई, माइनस जीरो लोअर लिमिट, ये जीरो जीरो हो जाएंगे ना, और यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो, एक एल कॉमन आके कैंसिल हो गया, बोलो यार तो क्या आया आंसर, है थ्री थ्री ए एल प्लस टू बी एल स्क्वायर अपॉन है अपॉन सिक्स अपॉन टू अपॉन थ्री इंटू टू ए प्लस बी एल, ये आंसर है। यहां पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट यूनिफॉर्म लैमिना, लैमिना किसे कहते हैं, बोलो, टू डी बॉडी, प्लेन लैमिना किसे कहते हैं, टू डी बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी, डिस्क या प्लेट, ठीक है। अब हमने कंपोजिट मींस एक बॉडी एक से ज्यादा, एक एक बॉडी है जिसमें एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक डिस्क है, ठीक है, एक से ज्यादा लैमिना से मिलके बनी हुई है, खाली स्क्वायर है यूनिफॉर्म, तो आपको सेंटर ऑफ मास पता है उसका कहां है, उसके सेंटर पे, खाली डिस्क है कहां है, सेंटर पे, ओनली ट्रायंगल है कहां है, सेंट्रोइड पे, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, ठीक। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास आपने फाइंड करना है, तो यूनिफॉर्म है, कैसा लेमिना है, यूनिफॉर्म, तो आप अपनी तरफ से लेट करोगे, सबसे पहले लेट सिग्मा जो है ये आप लेट करोगे मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ प्लेन बॉडी, जो प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना है उसका मास पर यूनिट एरिया कंसिडर कर लोगे। जब आपने मास पर यूनिट एरिया कंसिडर कर लिया, एक बॉडी है, मान लो ऐसी बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये आपके सामने ये है बॉडी, इसमें क्या है गया बताओ, इसमें क्या आ गया है, ये साइड ए है, ये ए है, ये ए सब ए है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर खाली स्क्वायर हो तो सेंटर ऑफ मास पता है ना आपको, कहां है सेंटर ऑफ मास, हैं सेंटर ऑफ मास कहां है, इसके यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर पे C1 है, और अगर खाली ये हो तो सेंटर ऑफ मास कहां है, इसके सेंट्रोइड पे, 2:1 के रेशियो में जो है इसको वो डिवाइड करेगा, ये सब पता है, ठीक है। तो आपको इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर पता है, अब आपको कंपोजिट लैमिना का सेंटर पता करना है, या एक बॉडी ऐसे है, कुछ भी सिचुएशन मान लो, ऐसे तीन तीन ऐसे ऐसे बॉडी है, ऐसे आपके सामने ये बॉडी है, ये बॉडी है, यानी कितने स्क्वायर प्लेट से बनी हुई है, 1, 2, 3, इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका सेंटर ऑफ मास ना, कंपोजिट लैमिना का सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या कंसिडर कर लोगे, मास पर यूनिट एरिया कंसिडर कर लिया, तो और लेट और मान लोगे, मान लोगे आपके पास A1 A2 जो है A1, A2, A3 डैश, मान लो n n बॉडीज हैं, n 2D बॉडीज हैं,
यहाँ पे दो है तो A1 इसका एरिया हो गया, A2 इसका हो गया, या तीन है तो A1, A2, A3 तीन एरिया होगा, N है तो A1, A2, A3 डैश डैश An क्या हो गया, रिस्पेक्टिव एरियाज, रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ, ठीक है, N क्या प्लेन लैमिना बाय विच होल लैमिना इज मेड, होल बॉडी इज मेड, समझ गए मेरी बात को, इधर देखो, तो पहले बाप पहली बॉडी का मास, ये आपने मास पर यूनिट एरिया ले लिया ना, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया ले लिया ऑफ होल लैमिना, ठीक है, और पहले बॉडी पहले जो पहला जो लैमिना है उस बॉडी में उसका एरिया ए वन है तो उसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इन टू ए वन, दूसरे का कितना हो जाएगा, सिग्मा इन टू ए टू, तीसरे का कितना हो जाएगा, सिग्मा इन टू ए थ्री, और एन एथ का कितना हो जाएगा, सिग्मा इन टू ए एन, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके सेंटर ऑफ मास का, या पोजिशन वैक्टर क्या हो गया बताओ, अगर पोजिशन वैक्टर निकालना हो तो पोजिशन वैक्टर निकाल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं मैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो, एम वन एक्स वन, क्या हो गया, एम वन एक्स वन, एम वन डालो, एम वन कितना है, सिग्मा ए वन इन टू एक्स वन, ठीक है भाई साहब, प्लस एम टू एक्स टू, एम टू डालो, ठीक है, प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम एन एक्स एन अपॉन एम वन, एम वन इज सिग्मा ए वन प्लस एम टू सिग्मा ए टू प्लस प्लस सिग्मा ए एन, तो क्या कॉमन आके कट गया ऊपर से सिग्मा, नीचे से सिग्मा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया जरा देखो तो सही, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स एन अपॉन क्या, ए वन प्लस ए टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन, यानी कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्मा बाईपास हो गया, सिग्मा कट गया, ऊपर नीचे कैंसिलेशन ले लिया, तो अगर आपको एरिया पता हो इस लैमिना का, इस लैमिना का, इसका कॉन्टर से, इसके सेंटर का x1 y1 कोऑर्डिनेट पता हो, इसके सेंटर का x2 y2 कोऑर्डिनेट पता हो, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, दो बॉडीज हैं तो दो बॉडीज के लिए क्या हो जाएगा, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन प्लस ए टू, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, ए वन वाई वन प्लस सिमिलरली प्लस ए एन वाई एन अपॉन क्या, ए वन प्लस ए टू प्लस डैश डैश प्लस ए एन, ऐसे आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऐसी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू प्लस डैश डैश ए एन आर एन अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ठीक है। अब आपको मैं दो क्वेश्चन घर के करने के लिए दे रहा हूं, यहां से आप लोग कृपया करके लाएंगे, ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे यही दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, एक्सीस में यहां मेंशन कर रहा हूं, एक्सीस के हिसाब से आप कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपके सामने पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस, और इसको आप ले ले ओरिजिन, ठीक है। ये आपका हो गया a b c d e, तो a b d e हो गया आपका स्क्वायर ऑफ साइड a, ठीक है, a b d e क्या हो गया स्क्वायर, और बी सी डी जो हो गया वो क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और है क्या ये यूनिफॉर्म लैमिना, क्या है ये बोलो, यूनिफॉर्म है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये भी ए साइड का स्क्वायर हो गया, देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। ये सी वन निकाल लोगे सबसे पहले सेंटर इसका, और इसका सी टू निकाल लोगे सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, और ये एक्स एक्सिस पे है ना, इसको एक्स एक्सिस मैंने मान लिया है, तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है आपको एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया ए बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया जीरो, एक्स वन वाई वन ए बाई टू कॉमा जीरो। इसका इसका कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस, ये डिस्टेंस निकालोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो बेस से, ये कितना यहां से लेके यहां तक, ये में ये जोड़ दोगे तो एक्स टू निकल आएगा और वाई टू जीरो है, और सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आप ये करके लाओगे जो अभी अभी मैंने दिया है आपको। ये ए साइड की है साहब, ये सारी साइड्स ए हैं, यानी टू ए साइड का स्क्वायर था, उससे एक पोर्शन एक रिमूव आउट भी कर दिया, ये वाला, ये सब ए हैं, ये अगेन ये यूनिफॉर्म लैमिना है, फिगर शोज यूनिफॉर्म लैमिना। कितने स्क्वायर, यूनिफॉर्म लैमिना कैसा है, तीन स्क्वायर से बना हुआ है, ये स्क्वायर ए ए साइड, ये भी ए ए साइड, ये तीन स्क्वायर एक दो तीन, इसका एरिया कितना होगा ए वन ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे एक्स वन बाई वन, इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे एक्स टू बाई टू, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालोगे एक्स थ्री बाई थ्री, फिर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a1 वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू, ठीक है, निकाल के लाओगे फाइन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा कैलकुलेशन और बच रहा है, ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे 3 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे।